नवाब ढाबा, नवाबों का आशियाना अब एक नए अंदाज में। नासिक रोड पर मौजूद ये ढाबा अब सिर्फ भिवंडीकर्स की ही नहीं बल्कि मुंबईकर्स की भी पहली पसंद बन चुका है। बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, क्रिकेट नेट के साथ साथ सेल्फी लवर्स के लिए सेल्फी पॉइंट के भी पूरे इंतजाम मौजूद हैं इस ढाबे पर। बिरयानी, बटर रोटी, लच्छा पराठा, तंदूरी चिकन बेहद लजीज और नायाब, जो एक बार खाए तो दोबारा खाए बिना रहा ना जाए। आप भी एक विजिट जरूर करें। बीएमसीएमसी इलेक्शन पे अक्टूबर 2022 में चुनाव की उम्मीद लगाई जा रही है, जिसके लिए बीएमसीएमसी के इलेक्शन डिपार्टमेंट ने 101 कॉर्पोरेटर्स वाले 34 प्रभाग की रचना यानी वार्ड का कच्चा मसूदा स्टेट इलेक्शन कमीशन को भेज दिया है। खंडूपाड़ा रोड पे मौजूद नाले की सफाई का काम जारी है, लेकिन स्थानिकों और वहां से गुजरने वालों की शिकायत है कि कचरा उठाकर वहीं सड़क के किनारे जमा कर दिया गया है, जो कि सड़क और आसपास में फैल गया है, जिससे वहां के लोगों और गुजरने वाले लोगों को शदीद दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। थाने पुलिस ने 60 साल उषा सालवे को 5 साल लड़के को अगवा करने के जुर्म में किया गिरफ्तार। उषा सालवे अपनी बेटी को, जो कि शादी के 7 साल बाद भी मां नहीं बन सकी, औलाद का सुख देने के लिए ये जुर्म किया। 14 मई को रात 10 बजे बच्चे को कलवा के मफतलाल एरिया में उसके घर के पास से अगवा करके भिवंडी में रखा गया था। बच्चे के पेरेंट्स ने पहले खुद बच्चे को तलाशने की कोशिश की, पर नाकामी के बाद उन्होंने पुलिस कंप्लेंट फाइल की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और दूसरे क्लूज की मदद से बच्चे को ढूंढ निकाला और उषा सालवे को गिरफ्तार कर लिया। भिवंडीकर्स के लिए एक और खुशी की खबर है। भिवंडी रोड स्टेशन सेंट्रल रेलवे के मुंबई डिवीजन में साल 2021 और 22 का सबसे सक्सेसफुल बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट बन के उभरा है। फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 में भिवंडी रोड बीडीयू ने कुल 19,230 टन पार्सल, तकरीबन 16,21,000 पैकेजेस में रजिस्टर कराए हैं। रजिस्ट्रेशन की वजह से टोटल 10,33,00,000 रुपए के सिस्टम की अर्निंग हुई है। ये इनकम पिछले साल 8,27,00,000 रुपए थी। मॉनसून विभाग की जानिब से इस साल 27 मई से ही बारिश की शुरुआत की खबर दी गई है। इसके बावजूद भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका नाला सफाई काम को लेकर बहुत सुस्ती भर रही है, जैसा कि आप लोग खुद अपने आसपास के इलाकों में देख सकते हैं। नाला सफाई काम के लिए ठेकेदारों को कुल 1.5 करोड़ रुपयों का ठेका दिया गया है और 30 मई तक काम खत्म करने का ऑर्डर होने के बावजूद काम की रफ्तार बिल्कुल धीमी दिखाई दे रही है। शहरवासियों को मानसून में होने वाली दिक्कतों का अभी से एहसास होने लग गया है। ठेकेदारों की सुस्ती और बीएमसीएमसी की लापरवाही से काम मानसून से पहले खत्म ना होता दिखाई दे रहा है। खबर मिली है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर पर इलीगल कंस्ट्रक्शन की कंप्लेन के लिए बीएमसीएमसी ने शहर विकास विभाग में कुछ महीनों पहले एक टोल फ्री नंबर 1800-233-1105 और व्हाट्सएप नंबर 7720-63447 जारी किया था। इन नंबरों को पोस्टर्स और बैनर्स लगाकर बड़ा प्रचार भी हुआ था। कुछ ही महीनों बाद टोल फ्री नंबर बंद करा दिया गया और अब व्हाट्सएप नंबर भी 19 अप्रैल 2022 से बंद किया गया है। जनता इन नंबरों पर आसपास के अवैध इमारतों की कंप्लेंट के साथ साथ खसला हाली का फोटो भेजकर शहर विभाग प्रमुख को अलर्ट किया करते थे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के मिनिस्टर मिस्टर हसन मुशरफ ने ग्राम पंचायत को विधवापन की रस्मों को खत्म करने के इंस्ट्रक्शन दिए। उन्होंने कहा कि साइंस और टेक्नोलॉजी के इस दौर में ऐसी पिछड़ी और औरतों को नीचा दिखाने वाली रीतियों की कोई जगह नहीं है। बता दें कि अब भी हिंदुस्तान के काफी सारे गांव में पति के मरने के बाद पत्नी के गले से मंगलसूत्र और पैर की अंगूठी निकाली जाती है, उसका सिंदूर साफ किया जाता है और चूड़ियों को तोड़ दिया जाता है। ये कदम कोल्हापुर के शिरौल तालुके के हरवार गांव की ग्राम पंचायत के इस फैसले के बाद उठाया गया कि अब उस गांव में ऐसी कोई रस्म अदा नहीं की जाएगी। थाने सिटी पुलिस ने थर्सडे को थाने के वागले स्ट्रीट से 11 लोगों को अरेस्ट करके उनके पास से 3.2 लाख का सामान भी जब्त किया। ये 11 लोग दरअसल एक इलीगल कॉल सेंटर चला रहे थे, जिसमें वो US से कस्टमर्स को कॉल करके खुद को इंटरनेशनल रेवेन्यू सर्विसेज के ऑफिसर बताते थे।
और कस्टमर्स को ये कहा जाता था कि उन्होंने टैक्स चोरी की है और उन पर ज़्यादा पेनल्टी ना लगे, इसके लिए उन्हें डिजिटल गिफ्ट कार्ड के थ्रू अलग अलग अमाउंट ट्रांसफ़र करने को कहा जाता था। पिछले एक हफ्ते से BMCMC के सियासी गलियारों में कमिश्नर मिस्टर सुधाकर देशमुख के ट्रांसफ़र को लेकर चर्चा थी और आज इस बात पर मुहर लग गई जब स्टेट गवर्नमेंट ने मीरा भाईंदर के एक्स म्यूनसिपल कमिश्नर विजय महासल को BMCMC के कमिश्नर के पद संभालने के ऑर्डर जारी कर दिए। बता दें कि मिस्टर महासल 2013 से 2015 तक BMCMC के कमिश्नर रह चुके हैं और मिस्टर महासल ए ग्रेड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। MNS लीडर राज ठाकरे का होने वाला अयोध्या विजिट इन दिनों काफी चर्चा में है, काफी लोग इसको अपोज भी कर रहे हैं। इसी दौरान ANI ने मुंबई के लालबाग एरिया से MNS द्वारा लगाया गया एक पोस्टर अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया, जिसका मतलब है कि अगर राज ठाकरे को अयोध्या जाने से रोका गया तो पूरा महाराष्ट्र जल उठेगा। पिछले दिनों लाउडस्पीकर पर अजान के ताल्लुक से विवादित बयानों पर राज ठाकरे काफी चर्चा में हैं और अपनी अप्रैल और मई की रैली के दौरान उन्होंने ऐलान किया कि वो जून में अयोध्या विजिट करेंगे। आपको हमारी टॉप न्यूज़ टुडे कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे इस काम को बेहतर करने के लिए अपनी राय भी दें। अगर आप अपने इलाके की कोई न्यूज़ हमें देना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें।